महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। इस बार पंकजा एक ऑडियो क्लिप में पुजारी को धमकाते हुए सुनाई दे रही हैं। दरअसल ऑडियो क्लिप में पंकजा भगवानगढ़ पहाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी महंत नामदेव शास्त्री महाराज को कथित रूप से धमकी देते हुए उन्हें दशहरे पर भाषण देने की अनुमति देने को कह रही हैं। इसके साथ ही ऑडियो में पंकजा शास्त्री महाराज के समर्थकों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज कराने की भी धमकी देते हुए सुनी जा सकती हैं। हालांकि अभी तक इस ऑडियो क्लिप की सत्यता की जांच नहीं हुई है। ऑडियो क्लिप के सामने आते ही कांग्रेस ने फडणवीस कैबिनेट से पंकजा मुंडे को हटाने की मांग उठाई है। आपको बता दें कि दिवंगत नेता और पंकजा के पिता गोपीनाथ मुंडे के साथ नामदेव महाराज के काफी अच्छे संबंध थे, लेकिन मुंडे के निधन के बाद महाराज और पंकजा के संबंध खराब हो गए। पहले सूखाग्रस्त लातूर में सेल्फी विवाद और अब महंत नामदेव शास्त्री महाराज को धमकाने का ऑडियो। ऐसा लगता है जैसे मंत्री बनने के बाद पंकजा का विवादों से चोली दामन का साथ हो गया हो। देखते रहिए डीबी लाइव।